कैसे हैं आप लोग? मलयालम स्टेप बाय स्टेप सीखने में मजा आ रहा है ना? तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो तो बहुत मजेदार होने वाला है। पता है क्यों? आज हम लोग दो क्वेश्चन के बारे में बातें करेंगे, क्या और साथ ही साथ कब। ये तूने क्या किया, क्या नाम है, ये क्या है, वो क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, साथ ही साथ कब आए, कब जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करें। चलिए, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। प्रश्न का यूज तो बहुत ही अधिक होता है, बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है सर। तो आज हम लोग को क्या और कब का यूज होता है सर, क्यों ना एक ही बार सब बता देंगे तो सब गोलमोल हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, सब के सब चला जाएगा। तो इसीलिए आज हम लोग सिर्फ दो, क्या और कब का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या, तो सर सबसे पहले प्रश्न को क्या कहते हैं उसे बताइए। प्रश्न मलयालम में चौद्य, चौद्यम कहते हैं। यस, चौद्यम कहते हैं। क्वेश्चन, प्रश्न, चौद्यम। फ्रेंड्स याद रखना है, प्रश्न, चौद्यम, क्वेश्चंस। यस। हाँ, सबसे पहला सर जब हम किसी से मिलते हैं तो पहला सर मैं जानना चाहिए कि हम लोग आज क्या के बारे में जानने वाले हैं। तो क्या को क्या कहते हैं? इंद। हाँ, क्या को कहते हैं फ्रेंड्स? इंद। इंद, इधर इसको देखिए। तो इसका प्रयोग जो है आज बार बार होने वाला है। yes. हाँ, तो सर यदि हमें कहना है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, व्हाट इज योर नेम, तांगलुडे पेर यंदान, तुम्हारा नाम क्या है, तांगलुडे तुम्हारा, yes. नाम पेर, पेर यंदान, यंदान क्या है, yes. हाँ, एन से यंदान क्या है। हाँ, तो सर यदि मैं पूछना है तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तांगलुडे अच्छे पेर एंदान, सिर्फ उधर चेंज है, तांगलुडे एंदान दोनों सेम है। हाँ, अच्छे तो पिता का। हाँ, तो अच्छे, तो एक रिश्ता वाला वीडियो फ्रेंड्स याद है जिसमें पता है ना, अच्छे अच्छे मतलब क्या होता है, अच्छन मतलब होता है पिताजी, पिताजी अच्छन। तो फिर क्या बोलेंगे, तांगलुडे अच्छन डे पेर यंदान, अच्छन डे बोलेंगे, अच्छन डे। हाँ, देखिए फॉर एग्जांपल लिख देती हूँ, एक बार ध्यान दीजिए, अच्छन डे पिताजी का, यस, इसका मतलब हो गया पिताजी का, यस, मतलब पिता, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, अच्छन डे। उसी प्रकार माँ रहेगी तो अम्मयुडे, अम्मयुडे, अम्मा का नाम क्या है, तो सेम वैसे ही तांगलुडे अम्मयुडे पेर यंदान। हाँ, तो जिसका भी नाम पूछना हो फ्रेंड्स आसानी से पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सर, यदि हमें बोलना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, बहुत बार यूज होता है, यह क्या है, वह क्या है, तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे सर? वह क्या है, इत यंदान, वह, वह क्या है, इत यंदान, अच्छा यह इत, इत, हाँ हाँ, यह इत, इत, हाँ, क्या है यंदान। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इत लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन देखिए जब भी सर बोलो तो थोड़ा सा इत दा का टोन आ रहा है, तो जब भी आप इत बोलेंगे तो हल्का सा उसमें दा का टोन ले आइएगा, तभी पक्का मलयाली बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो इत यंदान मतलब यह क्या है, व्हाट इज दिस, और यदि पूछना है सर वह क्या है, व्हाट इज दैट, आत यंदान, आत दो ही चेंज है, ईद आत, हाँ, आत यंदान, आत यंदान, वह क्या है, क्या है। हाँ सर, यदि हमें पूछना है व्हाट्स इन इट, इसमें क्या है, ईतिल, जो इधर हम लोग सीखा, ईत, 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 ईतिल, हाँ, ईतिल यंदान, इसमें क्या है, ईतिल यंदान, इतिल अंदाना, इसमें क्या, मान लो कोई बैग है या बॉक्स है, हमें पूछना है इस बॉक्स में क्या है, तो फिर इतिल अंदाना, बॉक्सिल अंदाना, बॉक्सिल अंदाना, हां, ई बॉक्सिल अंदाना, ई बॉक्सिल अंदाना। हां, और बोलना है सर कि उसमें क्या है, दूर दिखा के उसमें क्या है, अतिल अंदाना, अतिल अंदाना, उसमें क्या है, फिर आ बॉक्सिल अंदाना भी पूछ सकते हैं, आ बॉक्सिल अंदाना, बॉक्स में ऐसा हो, बॉक्स में क्या है, आ बॉक्सिल अंदाना। हां, तो फ्रेंड्स अब जो है ना, जो दिक्कतें होती है ना, ये क्या है, वो क्या है, ये आज के बाद अब खत्म हो जाएगी, आराम से लोग मलयालम में बातें कर सकते हैं। सर यदि हमें पूछना है क्या हुआ, बहुत बार होता है सर, व्हाट हैपेंड, यस, क्या हुआ, एंद पट्टी, एंद पट्टी, क्या हुआ, एंद पट्टी, हाँ, एंद पट्टी, वाह क्या हुआ। सर यदि बोलना है ये तुमने क्या किया, यदि मान लीजिए किसी को आप वर्क अलॉट करके गए हैं, ठीक है ना, व्हाट डिड यू डू,
और कलौट करके कहना सब उल्टा पलटा कर दिया, तो फिर हम बोलते हैं ना ये तुमने क्या किया, इसे क्या बोलेंगे सर? इत नी यंद चेदा ये तुम क्या किए? लिखा है सही में चैतदा भी है, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो हल्का हल्का द कट्टा चलाना है। चैतदा ये तुमने क्या किया फ्रेंड्स? अब क्या थोड़ा क्लियर हुआ ना? अब कब के ऊपर जंप करते हैं, ठीक है? कब सर? कब को क्या कहेंगे सर पहले? कब एप्पल हाँ, फ्रेंड्स देखिए एप्पल शब्द का प्रयोग देते हैं, एप्पल कब? हाँ सर, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हेन विल यू कम? आप कब आएंगे? आप कब आएंगे हाँ, तांगल हाँ, एप्पल कब हाँ, वरुम हाँ, तांगल एप्पल वरुम वरुम आएंगे yes. तांगल एप्पल वरुम आप कब आएंगे? सर जी बोल रहा है व्हेन डिड यू कम, आप कब आए तांगल एप्पल वन्नु वन्नु तो फ्रेंड्स कब आएंगे? वरुम कब आए? वन्नु यहाँ साथ ही साथ टेंस भी है, ध्यान रखिए, ठीक है ना? आएंगे वरुम ये हो गया फ्यूचर टेंस में, यदि हम पास्ट टेंस में बोलना है तो वन्नु कब आए। बहुत बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि कोई आ गया रहता है, हमें पता ही नहीं चलता, तो हम बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, तो खुश होकर पूछते हैं आप कब आए, और यदि मलयालम नहीं जानते रहेंगे तो कैसे बोलेंगे? लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, वन्नु बोल देना है, ठीक है? सर यदि हमें कहना है व्हेन डिड यू गो, आप कब गए तांगल एप्पो पोई एप्पल तांगल एप्पल पोई तांगल एप्पल पोई पोई माने गए के हां तांगल एप्पल पोई पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में हां। सर यदि हमें कहना है व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे? सर यहां पर अब तक हम लोगों ने तांगल आप का प्रयोग देख रहे थे ना, थोड़ा छोटे वाले से, तो छोटे से बोलना है कि तुम कब जाओगे हां नी एप्पल पोगुम 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 हाँ पोगुम। सर देखिए लिखा है पोगुम, लेकिन सर बोलते हैं तो लगता है पोगुम बोल रहे हैं, तो पोगुम है पोगुम हाँ नी एप्पल पोगुम पोगुम मतलब तुम कब जाओगे yes. हाँ सर बहुत बार ना कोई घटना देखते समझते कब हुआ, कोई भी घटना कब हुआ, when did it happen, ऐसा कब हो गया? एप्पल पट्टी एप्पल पट्टी एप्पल पट्टी एप्पल पट्टी कब हुआ? बहुत आसान लग रहा है फ्रेंड्स। चलिए यदि सर हमें कहना है मैं कब तक बैठूं, बहुत बार इंतजार करवा के लोग छोड़ देते हैं, तो इंतजार करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं, फिर पूछते हैं मुझे कब तक यहाँ बैठना है बताओ। ज्ञान एप्पल वरे इरिक्कुम ज्ञान एप्पल वरे इरिक्कुम मैं कब तक बैठू ज्ञान एप्पल ज्ञान एप्पल वरे इरिक्कुम ज्ञान मैं एप्पल कब वरे तक इरिक्कुम बैठू ज्ञान एप्पल वरे इरिक्कुम हाँ मैं कब तक बैठूं। सर यदि ये बैठना होटल में पड़ जाए तो और बुरा लगता है, बहुत देर तक हम लोग को खाना कब आएगा यदि हमें पूछना है कब तक खाना आएगा, कब तक खाना आएगा आहारम एप्पल वरुम आहारम एप्पल वरुम आहारम एप्पल वरुम। तो सर आज का वीडियो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्यों फ्रेंड्स रहा ना इंपॉर्टेंट, क्या के बारे में जान लिए, कब के बारे में जान लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे छोटे छोटे वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे ताकि हम लोग आसानी से सीख सके, एक ही बार ज्यादा पढ़ लेंगे तो सब के सब यहाँ से निकल जाएगा, तो इसीलिए आज हम लोग को इस वीडियो को एक से दो बार आप देखिए क्या का प्रयोग कैसे करेंगे, कब का प्रयोग कैसे करेंगे, साथ ही साथ इसी तरह से मिलते जुलते जो है ना वाक्य आप बनाने की कोशिश करिए। फिर क्या करना है, वाक्य बनाने के बाद फटाफट कमेंट करना है, ठीक है, ताकि हम लोग को भी तो लगे कि हमारी मेहनत रंग ला रही है कि नहीं ला रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।